हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना मॉक टेस्ट पेपर सीरीज वन, जो अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है फॉर सितंबर 2024 सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। हम लोग इसका पेपर नंबर 3 टैक्सेशन का सेक्शन ए आज डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट देखिए, ये मॉक टेस्ट पेपर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं स्पेसिफिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है और हमें उसको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ इसको डिटेल्ड डिस्कशन भी करूंगा और फिर मैं बताऊंगा भी कि आपको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जब एक बार हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेना उसके बाद आप वहाँ पर, ऑल्दो मैं रिमाइंड भी कराऊंगा आपको कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपको खुद इसको कर देखना चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि हमारे एग्जाम्स पास आने वाले हैं, कोर्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत चिंता हो रही होगी कि इतना कोर्स रह गया है, इतना नहीं करा। देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। इतना वरिड होना, इतना एग्जाम प्रेशर होना, ये एक नॉर्मल है, सभी के साथ होता है, सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है ये। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा अभी इतना सिलेबस हुआ है, बाकी नहीं हुआ है, ठीक है। आज जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर एक दो पॉइंट्स होंगे तो आपको लगेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था बट अब मुझे याद नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा देखिए काम है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट हमारा ये काम होना चाहिए कि हम कंसिस्टेंटली ना अपना ये जो टाइम हमारे पास है एग्जाम्स तक का, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। उसको बस वेस्ट मत होने दीजिएगा, इस समय आप 100% अपनी पढ़ाई को दीजिए और ज़्यादा दूसरे थॉट्स मत आने दीजिए। देखिए, थोड़ा प्रेशर होता है, एग्जाम फियर होता है, ये सबके साथ ही रहेगा, तो इसके ऊपर ना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। बस आप करते रहिए, ठीक है, और आप इजीली क्लियर कर लेंगे ये वाला एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना सेक्शन ए, तो मैं डिस्कस करूँगा और बीच बीच में ना मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करना होगा और आपको खुद करके जितना आपसे हो सकेगा उतना करके देखिएगा, फिर आप मेरे आंसर से उसको मैच भी करिएगा, राइट। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होनी चाहिए। शुरू करें इसको, चलिए जी। तो जैसे आपको पता है, दिस इज सेक्शन ए, इनकम टैक्स लॉ में लेता हूँ, तो मैं इनकम टैक्स लॉ ही डिस्कस करूँगा आपके साथ। 50 मार्क्स का इनकम टैक्स लॉ है, 50 मार्क्स का जीएसटी है, और जिसमें से आपको टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, 15 मार्क्स के अगेन इनकम टैक्स के एमसीक्यूज रहेंगे। तो आपका फर्स्ट डिविजन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है और इसमें कुछ केस स्टडीज आती हैं, मेनली दो केस स्टडीज आती हैं छोटी छोटी जिसको आपको सॉल्व करना है, और कुछ आपके स्टैंड अलोन एमसीक्यूज होते हैं। स्टैंड अलोन मतलब विदाउट केस स्टडीज एमसीक्यूज। उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और बाकी 3 में से 2 आपकी चॉइस होती है। चलिए, जब डिस्क्रिप्टिव पर आएंगे उसके बारे में बातें मैं करूँगा। तो चलिए, अब हम अपने एमसीक्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा केस स्टडी का एमसीक्यू है। अच्छा, अब केस स्टडी को, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो हमें अपने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए जिससे एफिशिएंटली हम लोग अपना विद इन द टाइम अपना पूरा का पूरा 100% पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। तो स्पेसिफिकली केस स्टडीज के लिए एक तरीका होता है, कुछ स्टूडेंट्स फटाफट, एक तरीका ये हो सकता है, दो ऑप्शन है, मुझे सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है आपका कि आप फटाफट 1 या 2 मिनट के अंदर केस स्टडी को पढ़ लीजिए, फिर अपने क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस हमसे क्या क्या पूछे हुए हैं ये देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप अपनी केस स्टडीज पढ़कर अपने आंसर देना होगा। एग्जाम में एग्जामिनर को डायरेक्ट एमसीक्यू के डायरेक्ट आंसर देने होते हैं, 4 ऑप्शन में से जो भी एक ऑप्शन ठीक है उसको डायरेक्ट आंसर देने होते हैं। हाँ, सॉल्व वगैरह आप लोग करेंगे अपने लिए, वो रफ में कर सकते हैं, बट एमसीक्यू के लिए सिर्फ उनको आंसर चाहिए, कोई उनको वर्किंग नोट्स वगैरह नहीं चाहिए होते एमसीक्यूज के लिए। हाँ, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का, वहाँ तो हमें वर्किंग नोट्स वगैरह प्रॉपर देने होते हैं, बट एमसीक्यूज में तो डायरेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका कि फटाफट 1-2 मिनट लेकर केस स्टडी पढ़ लीजिए, फिर अपने मेनली क्वेश्चंस देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अपनी एक बार केस स्टडी आपको दोबारा देखनी है। ये तो है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है, और मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए फटाफट, बिना केस स्टडी पढ़े डायरेक्टली क्वेश्चंस देख लीजिए कि क्वेश्चन किसके बारे में चीज़ें बोल रहा है, जिससे कि जब आप केस स्टडी पढ़े तो उसको रिलेट कर सके, हाँ ये मेरे काम की इन्फॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी सेकंड ऑप्शन के ऊपर जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ना अपने क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि केस स्टडी आई तो उसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यू। क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ बिना केस स्टडी पढ़े।
द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय हमारा पैसा बैंक ऑन कैश विड्रॉल बाय रुद्रा लिमिटेड। यानी कि यहाँ पर बातें हो रही है TDS की, कि इन्होंने किसी बैंक से कुछ कैश विड्रॉल किया होगा तो कितना TDS डिडक्ट करेगा वो बैंक मिस्टर रुद्रा का, ठीक है, कुछ ऐसी TDS की बातें हो रही हैं, क्योंकि मुझे मैंने भी केस स्टडी पढ़ी नहीं है तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, बट हाँ इतना पता चल गया कुछ कैश विड्रॉल पर TDS की बातें हो रही हैं। एक अगर हमें सेक्शन नंबर अगर याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो चलेगा, बट हाँ हमें प्रोविजन पता है कि कैश विड्रॉल के ऊपर अगर हम 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% का TDS डिडक्ट हो जाता है, और कुछ केस में जहाँ पर हमारी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं होती वहाँ पर तो 20 लाख के ऊपर ही कैश विड्रॉल के ऊपर TDS डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको थोड़ी याद आ रही होंगी, ठीक है। दूसरी चीज, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय रुद्रा ऑन पेमेंट मेड टू टेस्टी केटरर्स। तो किसी केटरर को वो पेमेंट कर रहा है, केटरर वगैरह को पेमेंट करते हैं तो एक सेक्शन 194C होता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी को दिया तो उसके ऊपर TDS डिडक्ट होता है। तो इन्होंने पूछा कि रुद्रा ने कोई पेमेंट करी है टेस्टी केटरर को तो कितना TDS डिडक्ट होगा, उसके बारे में बातें हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था कैश विड्रॉल पर कितना बैंक TDS डिडक्ट करेगा। यहाँ पर है हम किसी केटरर को पेमेंट कर रहे हैं, हम कितना TDS डिडक्ट करेंगे। थर्ड कहते हैं व्हाट शैल बी द अमाउंट टैक्सेबल एंड इन हूज हैंड्स विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी बाय रुद्रा फ्रॉम SK बिल्डर्स एंड गिफ्ट ऑफ द सेम टू हिज डॉटर। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि हमने कोई इमोबल प्रॉपर्टी परचेज करी है तो उसके ऊपर कोई कितना हमारी इनकम वगैरह बनेगी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आए क्वेश्चन पढ़कर, थोड़ा बहुत नहीं आया क्योंकि अभी हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी थी। अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो हम जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होंगी ना तो वहाँ वो हमें क्लिक करेंगी, करेक्ट। अब हम अपने केस स्टडी पर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है मिस्टर रुद्रा इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग सिंस 2018। तो इनका एक बिजनेस है 2018 से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। His turnover for the previous year 22-23 was 6 crore और इनका last year का preceding year का turnover भी दिया हुआ 6 crore। तो generally हमें जब कभी भी preceding year का turnover दिया होता है तो ज़्यादातर reason क्या होता है previous year का turnover देने के लिए individual HVF का, कि हमारा boss turnover 1 crore से ऊपर था तो हम TDS deduct कर सकते हैं, right? तो यहाँ पर यह पता चला कि रुद्रा eligible हैं बिकॉज लास्ट ईयर का टर्न ओवर वॉज मोर देन 1 crore, सो ही इज एलिजिबल टू डिडक्ट TDS। इतना समझ में आता है। हिज माइनर डॉटर मैरिज इज फिक्स्ड इन दिसंबर 23। तो इनकी माइनर डॉटर की मैरिज फिक्स हो गई है, गलत बात है माइनर डॉटर की मैरिज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए अभी क्वेश्चन है तो अभी क्वेश्चन की तरीके से देखते हैं इसको। ही प्लान्ड डेस्टिनेशन वेडिंग इन गोवा फॉर हिज माइनर डॉटर, ठीक है। फॉर द वेडिंग ही विड्रू 40 लाख कैश इन द मंथ ऑफ सितंबर 23 एंड 65 लाख कैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 23 फ्रॉम हमारा पैसा बैंक। अब देखो एक क्वेश्चन इसके बारे में था, मुझे क्लिक हो गया अभी, क्वेश्चन क्या बोल रहा था वो कह रहा था कि हमारा पैसा बैंक से जब ये कैश विड्रॉल करेंगे तो वो बैंक कितना TDS डिडक्ट करेगा। अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है 194N तो भी ठीक है, नहीं भी याद है तो भी चलेगा, बट यू शुड नो द प्रोविजन। वो प्रोविजन ये बोलता है जनरली कि अगर हम 1 crore rupees से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं पूरे साल में, तो पूरे साल में 40 लाख प्लस 65 लाख 105 लाख हो गए, कितना एक्सेस कर रहे हैं 5 लाख, उसके ऊपर TDS डिडक्ट होगा। तो आपको वो प्रोविजन याद आ जाना चाहिए कि 2% का TDS डिडक्ट होता है। हाँ वहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि अगर हमारी लास्ट ईयर्स की रिटर्न टाइम से नहीं डिपॉजिट हुई थी तो 20 लाख के बाद ही TDS डिडक्ट हो जाना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि हमारी रिटर्न्स टाइम से गई थी या नहीं गई थी, तो वो हमें आगे मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर लिखा भी है ही रेगुलरली फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम, समझ में आ गया यहाँ से कि वो अपनी रिटर्न्स रेगुलरली फाइल करते थे, तो इसका मतलब वो 20 लाख वाले प्रोविजंस तो इसके ऊपर आएंगे नहीं, तो 1 crore वाले प्रोविजंस आ जाएंगे, 100 लाख से ऊपर TDS डिडक्ट होगा 2% का। ओके तो फर्स्ट वाले का आंसर मुझे शायद यहाँ से मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, He booked 30 rooms for 5 days for the accommodation of his relative in Raho Hotel and paid 40,000 in cash as advance and balance by account paycheck. इन्होंने गेस्ट वगैरह के लिए होटल्स बुक करें, ठीक है, कोई इस तरीके से कोई हमारे क्वेश्चन ने भी नहीं पूछा था, ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लग नहीं रही है। He took the catering services, catering की बातें आ रही हैं, catering का क्वेश्चन भी आया था। He took the catering services of tasty caterers
सोलो राइटर फॉर वेडिंग फॉर विच ही पेड 10,20,000 रुपीज ऑन 15/10/2023 फॉर हर वेडिंग ही गिफ्टेड हिज डॉटर। चलो ये तो दूसरी बातें शुरू हो गई, बट यहाँ पर केटरिंग वाली बातें आ गई और केटरिंग के ऊपर क्वेश्चन भी था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। देखिए अगर हम किसी केटरर को, केटरर इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई जॉब वर्क वगैरह देते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को हमने जॉब दिया, तो उसके ऊपर हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो वी हैव अ सेक्शन 194C। अगेन सेक्शन का नंबर याद नहीं है तो चलेगा, बट प्रोविजन पता होना चाहिए। वो ये कहता है कि अगर आप एक बिजनेस हैं और अगर कोई आपने बिजनेस से रिलेटेड, 194C साफ साफ कहता है कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तब आप 194C में टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिविजुअल या HUF है तो 1% का टीडीएस आता है। अगर वो अदर देन इंडिविजुअल और HUF है कॉन्ट्रैक्टर तो 2% का आता है। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है। देखो हमें कितनी अच्छे से क्वेश्चन कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बट हम बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर बोला हुआ है कि टेस्टी केटर एक सोलो प्रोप्राइटर था, तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्या आएगा, अरे यार इसका 1% TDS डिडक्ट कर लो। बट प्लीज माइंड इट दैट दिस इज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर हम TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। 194C में TDS डिडक्ट नहीं होगा, राइट, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज के लिए, मैरिज फंक्शन के लिए केटरिंग सर्विसेज जा रही है। ऑल दो मिस्टर रुद्रा एलिजिबल थे, इनका लास्ट ईयर का टर्न ओवर 1 करोड़ से ऊपर है, बट क्योंकि 194C पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं करता, TDS डिडक्ट नहीं होगा 194C में। अब अगर आप ध्यान दें तो एक और सेक्शन है 194M, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट की बातें होती हैं। वो ये सेक्शन कहता है कि अगर आप 194C में TDS डिडक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप 194M में कर सकते हो, राइट। ये मेनली उनके लिए लगता है कि अगर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो 194M में कवर हो जाता है, या फिर कोई ऐसे इंडिविजुअल जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं था, तो ऐसे लोग 194M में आते हैं। बट 194M की काफ़ी अच्छी खासी लिमिट है 50 लाख। अगर आप 50 लाख से ऊपर का किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ पर हम 50 लाख की लिमिट को आपको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो 194M भी इसके ऊपर नहीं लगेगा, 194C भी नहीं लगेगा और 194M भी नहीं लगेगा। तो आई डोंट थिंक कि TDS डिडक्ट दोनों में से किसी भी सेक्शन में होगा। समझ में आ गया? आ गया। फॉर हर वेडिंग ही गिफ्टेड हिज डॉटर अ हाउस प्रॉपर्टी परचेज फ्रॉम SK बिल्डर्स। इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है SK बिल्डर्स। एक क्वेश्चन था, एक हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था कि परचेज करने पर भी कोई इनकम होती है क्या। अच्छा मुझे बताओ क्या प्रॉपर्टी परचेज करने, परचेज सेल, प्रॉपर्टी को अगर हम सेल करते हैं तो कैपिटल गेन होता है, क्या परचेज करने पर भी इनकम होती है? आंसर इज येस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का चैप्टर इससे डील करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उसको स्टैम्प वैल्यू से भी कम वैल्यू का परचेज कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। याद आ गया, गिफ्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं इसको। या फिर अगर उसका जो डिफरेंस है वो 10% तक भी है तो भी हम लोग एक ग्रेस दे देते हैं कि जितना भी हमने कंसिडरेशन दी है, अगर उसकी स्टैम्प वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच में 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो देख लेते हैं जरा यहाँ पर। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 15 लाख रुपीज की 10/10/23 को, और उसकी स्टैम्प वैल्यू प्रॉपर्टी की थी 16 लाख उस दिन। तो प्लीज मुझे बताइए क्या 10%, देखो 50,000 से तो ऊपर है, ठीक है, डिफरेंस 50,000 से ऊपर है, बट हमारे लिए एक और डिफरेंस हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, और विच एवर इज हायर वाला डिफरेंस अलाउड होता है। तो हम कहते हैं यहाँ पर कि जितनी भी आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उसका 110%, याद है, या तो इसमें 10% ऐड कर दीजिए या 110% इसका कर दीजिए, जैसे भी आपने सीखा है। तो इसका अगर मैं 110% करता हूँ, यानी कि इसमें 1,50,000 और ऐड हो जाएगा, तो 16,50,000 तक अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो भी चलेगा, अलाउड है। तो यहाँ पर हमारी स्टैम्प वैल्यू सिर्फ 16 लाख है, तो इसका मतलब परचेज करने पर हमारा कोई भी इनकम नहीं आएगी। वाई? बिकॉज जो डिफरेंस है वो हमारी अलाउेबल लिमिट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है, अलाउेबल लिमिट तक ही आ रहा है, उससे ज्यादा का नहीं है वो डिफरेंस। कितनी लिमिट अलाउड है? लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप परचेज करते हो तो 50,000 रुपीज और 10% ऑफ द कंसिडरेशन वैल्यू विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर 50,000 रुपीज और 10% कितनी कंसिडरेशन वैल्यू है आपकी? 1,50,000 विच एवर इज हायर, मतलब 1,50,000 तक का डिफरेंस अलाउड हो जाता है हमारा।
अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है स्टैम्प वैल्यू में और हमारे कंसिडरेशन में, सिर्फ 1 लाख रुपीज का, तो विद इन दैट अलाउेबल लिमिट ही आ रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज करने पर कोई इनकम नहीं होगी। अच्छा, अब इन्होंने अपनी डॉटर को ये गिफ्ट कर दिया, और जिस दिन गिफ्ट किया लिखा हुआ ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर द वैल्यू वॉज 20 लाख रुपीज। अब मुझे बताइए उनके डॉटर के हाथों में क्या ये 20 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो। वाई नॉट? बिकॉज रिलेटिव से हमें ये गिफ्ट मिला है, तो यहाँ पर फादर ने अगर डॉटर को गिफ्ट दिया है तो दैट इज कवर्ड अंडर रिलेटिव डेफिनेशन, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पर डॉटर के हाथों में भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली है। आगे लिखा हुआ है रुद्र पेड 45,000 इन कैश एंड बैलेंस इन चेक टू ट्रेवल एजेंट फॉर द रिटर्न टिकट ऑफ सम ऑफ द रिलेटिव्स टू US। ही रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। केस स्टडी खत्म हो गई, ये किसी काम की नहीं है वैसे, पर हम लोग जानते हैं कि एक हमारा रिटर्न ऑफ इनकम का एक सेक्शन होता है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ पर कोई काम का नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, 2 लाख रुपीज से ज़्यादा का खर्चा किया है अपने लिए या किसी और के लिए को करवाया है, तो आपको अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करनी पड़ेगी, वो बातें वहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर तो 2 लाख से ऊपर भी नहीं है, बट रिटर्न फाइल वगैरह करने के कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा था हमसे, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय हमारा पैसा बैंक ऑन कैश विड्रॉल बाय रुद्रा लिमिट बाय मिस्टर रुद्रा। तो रुद्रा ने हमारा पैसा बैंक से कैश विड्रॉल किया है। अच्छा, मुझे पहले बताइए क्या इनके ऊपर वो 20 लाख वाली लिमिट लगेगी या 100 लाख वाली लिमिट लगेगी? सर, अगर आपने ये रिटर्न टाइम से डिपॉजिट नहीं करा रहे होते तो 20 लाख के बाद ही TDS डिडक्ट हो जाता, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ही रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अपने टाइम से जमा कराते थे, तो इसके इनके ऊपर 100 लाख की लिमिट लगेगी। 100 लाख से ऊपर जितना भी विड्रॉल हुआ उसके ऊपर 2% का TDS आ जाएगा। तो 100 लाख से ऊपर कितना हुआ है? 40 + 65 = 105 लाख। तो 100 लाख से ऊपर हुआ है 5 लाख के ऊपर 2% लगा दीजिएगा। 5 लाख के ऊपर 2% आता है 10,000 रुपीज। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 लाख के ऊपर 2% आएगा। ठीक है, 5 लाख कैसे आया है? 105 लाख का विड्रॉल था, माइनस 100 लाख हमारी लिमिट है, तो 5 लाख जो एक्सेस विड्रॉल है उसके ऊपर 2% आया है। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी था? आगे चलिए। लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय रुद्रा ऑन पेमेंट मेड टू टेस्टी केटर। कहते हैं कि कितना TDS डिडक्ट करेंगे बॉस? 194C लगेगा। नहीं, क्यों नहीं लगेगा? पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। 194MB नहीं लगेगा। क्यों? लिमिट 50 लाख से ऊपर की नहीं है, तो दोनों में से कोई भी सेक्शन यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, देयर वुड बी नो TDS। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी TDS नहीं आएगा, द आंसर वुड बी डी, नल, राइट। थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट शैल बी द अमाउंट टैक्सेबल एंड इन हूज हैंड्स विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ इमुल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर रुद्रा। रुद्रा ने अगर प्रॉपर्टी परचेज करी है और अगर इन्होंने सस्ती प्रॉपर्टी परचेज की होती और वो लिमिट से भी ज़्यादा अमाउंट होता तो मिस्टर रुद्रा के हाथों में टैक्सेबल हो जाता, बट क्योंकि वो विद इन लिमिट आ रहा था, करेक्ट, क्योंकि हमारी जो लिमिट आई थी वो 10% की, 1,50,000 तक का लिमिट आई थी, कि उससे ज़्यादा का तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है, तो उससे ज़्यादा का डिफरेंस आ नहीं रहा था, तो यहाँ पर रुद्रा के हाथों में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज विद इन द लिमिट ही परचेज वो कर रहे हैं। थोड़ा सस्ता कर रहे हैं बट विद इन द लिमिट कर रहे हैं। दूसरी बात, एंड गिफ्ट ऑफ द सेम टू हिज डॉटर। और जब इन्होंने गिफ्ट किया तब टैक्सेबिलिटी क्या आएगी? कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। डॉटर के हाथों में IFOS की इनकम नहीं बनेगी बिकॉज अपने फादर से, मतलब रिलेटिव से मिल रहा है, तो देयर वुड बी नो टैक्सेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 1 लाख इन द हैंड्स ऑफ रुद्रा एंड 20 लाख इन द हैंड्स ऑफ माइनर डॉटर। तो कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होकर ये मार्क कर देंगे, पर गलत है ये। ठीक है, वो सोचेंगे सर 1 लाख रुपीज सस्ता मिला रुद्रा को, तो 1 लाख रुपीज उसको टैक्सेबल कर दें, और 20 लाख रुपीज की वैल्यू थी जिस दिन डॉटर को मिला, तो 20 लाख डॉटर के हाथों में। द आंसर इज नो, ये गलत है। सेकंड लिखा हुआ है नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रुद्रा एंड माइनर डॉटर। बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को ये। ठीक है, कोई भी हम टैक्सेबिलिटी नहीं लगाएंगे ना तो रुद्रा जी के हाथों में। वाई नॉट? बिकॉज उनकी जो वैल्यू है, जो इन्होंने सस्ता खरीदा, आई अंडरस्टैंड सस्ता खरीदा बट विद इन द लिमिट है, करेक्ट। तो इसका बी आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं सी और डी पढ़ लेता हूँ एक बार। सी लिखा हुआ है 1 लाख इन द हैंड्स ऑफ रुद्रा एंड नथिंग टैक्सेबल। नहीं जी, 1 लाख रुद्रा जी के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा। नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रुद्रा बट 20 लाख इन द हैंड्स ऑफ डॉटर। नहीं, डॉटर के हाथों में भी नहीं होगा। ठीक है, रीजन बी रिलेटिव से मिला है। द आंसर इज बी ओवर हेयर।
आ गया। तो ये आपके तीन एमसीक्यू हुए फर्स्ट केस स्टडी के। अब सेकंड केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है? वही ऑप्शन ले लें, सेकंड वाला ऑप्शन। पहले बिना केस स्टडी पढ़े डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम केस स्टडी देखेंगे। चलिए, इसमें भी तीन क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 टू मेंग फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी वाली होती है। तो ये पूछ रहा है कि कितना, अगर इन लोगों ने कोई लोन वगैरह लिया होगा प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट अलाउड होता है। अच्छा देखिए, अगर मैं सिर्फ प्रोविजन याद करा रहा हूँ, अभी केस स्टडी नहीं पढ़ी है, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, जितना भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो अलाउड होता है, राइट? जितना पे हुआ है या ड्यू हुआ है, ये याद कीजिए कंसेप्ट। पहले एक सेकंड के लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है ड्यू बेसिस पर। अगर आपने पेमेंट नहीं भी की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यू बेसिस पर अलाउड हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, ठीक है? दूसरी बात, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, तो जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ विदाउट एनी लिमिट पूरा का पूरा अलाउ हो जाता है। बट अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर इसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। कुछ केसेस में 30,000 भी होती है, बट जनरली 2 लाख रुपीज़ होती है, ठीक है? ये कंसेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूँ। हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट अलाउड होता है ड्यू बेसिस पर, वेदर यू हैव पेड इट और नॉट, जितना भी ड्यू हुआ ड्यूरिंग द ईयर अलाउड होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं होती कि जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ, चाहे वो 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा भी होगा, जितना भी होगा, ठीक है, अलाउड हो जाता है। लॉसेज आते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड हो जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख रहता है, कुछ केसेस में 30,000 रहता है, जैसे रिपेयर्स वगैरह के लिए लोन लिया तो 30,000 रहता है, या फिर लोन लिया था उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराने में 5 साल से ज़्यादा लग गए, फिर 30,000 हो जाता है। जनरली आपसे 2 लाख वाली बातें ही पूछता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है इंटरेस्ट के बारे में, कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिसिबल टू मेंग अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। चैप्टर 6 से अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर लेते हैं, यानी कि 80C से 80U फिर तो सारे मिल जाते हैं, अगर 115BAC को ऑप्ट करते हैं तो फिर तो बहुत कम इनकी डिडक्शंस रह जाती हैं। एक तो वो CCD 2 की डिडक्शन होती है, ठीक है, CCD 2, CCH 2 अग्निवीर वाली डिडक्शन रह जाती है, वो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वाली, ठीक है, और JJAA। बस डिफॉल्ट टैक्स जी में तो सिर्फ 3 रहती है, अदरवाइज अगर आउट ऑप्ट आउट कर देते हैं तो फिर सारी डिडक्शन मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पर ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो हमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 80C से लेकर 80U में देख लेना कि कितनी डिडक्शन इनको मिलने वाली है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा, इन हुज हैंड्स वुड सियाज रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट हरियाणा विल बी टैक्सेबल एंड हाउ मच वुड बी टैक्सेबल। सिया के हाथों में रेंटल इनकम कितनी टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की, तो उसके बारे में कुछ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में पूछा है। अब हम अपनी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। ओके, अब हम केस स्टडी पर आइए। मेयंग हैज बॉट अ रेजिडेंशियल हाउस वर्थ ₹2.5 करोड़ एट साउथ एक्सटेंशन दिल्ली इन 2018। इन्होंने 2018 में एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, ओके, एंड लेट आउट द हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर रिहान। इन्होंने लेट आउट भी कर दिया घर रिहान को, यानी कि लेट आउट प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी वॉज फंडेड थ्रू लोन फ्रॉम PNB। 2.5 करोड़ रुपीज की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने कुछ लोन लिया होगा। द इंटरेस्ट ड्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू PNB 25 लाख, आउट ऑफ विच ही पेड 20 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, अब अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज कर रहा है क्वेश्चन कि 25 लाख ड्यू हुआ बट जिसमें से हमने सिर्फ 20 लाख रुपीज़ पे किया है, तो क्या 20 लाख अलाउड होगा या 25 लाख अलाउड हो सकता है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि हाउस प्रॉपर्टी का हेड ये कहता है कि जितना भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ ड्यूरिंग द ईयर, वेदर यू हैव पेड इट और यू हैव नॉट पेड इट, दैट इज अलाउड। तो यहाँ पर हमारा 25 लाख अलाउड हो सकता है, ठीक है, पूरा अलाउड हो जाएगा। और क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वहां पर कोई लिमिट नहीं होती, तो 25 लाख अलाउड हो जाएगा। मिस्टर मयंक देन टुक अ लोन ऑफ 1.5 करोड़ फ्रॉम SBI ऑन 1/7/2023। अच्छा, इन्होंने एक और लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, ठीक है, तो फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ओके,
कंस्ट्रक्शन इज इन द प्रोग्रेस एज ऑन 31/3/2024। ये कंस्ट्रक्शन ईयर एंड तक प्रोग्रेस में था, यानी कि अभी वो प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई है। और हम लोगों को इंटरेस्ट तभी अलाउड होता है अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो लिखा हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन अभी प्रोग्रेस में था फर्स्ट फ्लोर का, तो इससे रिलेटेड इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया रीजन क्या है? बिकॉज प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही हमें यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड होता है, पर यहाँ पर प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई है, राइट? और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। अब एक और छोटा सा डाउट मैं क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स का। यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, इसी घर का फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी कंप्लीटेड थी, उसके ऊपर तो फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, तो फिर तो ये अलाउड हो जाना चाहिए। द आंसर इज नो। देखिए, जब किसी प्रॉपर्टी के मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं, इसका ग्राउंड फ्लोर तो लेट आउट था और उसका फर्स्ट फ्लोर को हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे अपने हाउस प्रॉपर्टी में जहाँ पर मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं आपके प्रॉपर्टी के, तो वहां पर हम हर यूनिट को अलग अलग सेपरेट प्रॉपर्टी मानते हैं, राइट? तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को हम सेपरेट प्रॉपर्टी मानेंगे, वहां का तो 25 लाख रुपीज अलाउड हो जाएगा जितना भी ड्यू हुआ इंटरेस्ट इस साल। बट ये SBI से जो लोन लिया है हमने, जो नया वाला लोन लिया है, इसको जो हमारी एक तरीके से डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, बिकॉज इसका यूज अलग है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, करेक्ट? तो ये अभी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं है, इसका कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, ठीक है? आगे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। मिस्टर मयंक स्टार्टेड रीपेइंग EMIs ड्यू टू SBI और इन्होंने SBI को EMI देना शुरू भी कर दिया, बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट की डिडक्शन इनको नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही रीपेड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 25 लाख एंड 5 लाख टू PNB और SBI। अच्छा, क्या हुआ, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ही रीपेड प्रिंसिपल अमाउंट, इन्होंने प्रिंसिपल रीपे किया है, PNB को रीपे किया है 25 लाख और SBI को रीपे किया है 5 लाख रुपीज़ का। PNB मतलब पुराना वाला लोन और SBI नया वाला लोन के लिए 5 लाख रीपे भी किया। अब प्रिंसिपल रीपेमेंट, हाउस प्रॉपर्टी में तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलती, बस चैप्टर 6A में इसकी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। चैप्टर 6A में 80C का जो सेक्शन है वहाँ पर मैक्सिमम हमें 1.5 लाख की डिडक्शन मिल सकती थी। वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हमें लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हैं, और उसमें से एक आता है कि अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हैं लोन का। तो यहाँ पर इन्होंने अपना 25 लाख रुपीज़ पे किया है, मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा गया कि चैप्टर 6A में कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर इनको 80C में ना, 80C में यहाँ पर इनको 150,000 की डिडक्शन मिल जाएगी बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट, ओके। ही ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ 8 लाख टू SBI आउट ऑफ 10 लाख। इन्होंने SBI को भी इंटरेस्ट पे करा है, 10 लाख का ड्यू हुआ होगा उसमें से 8 लाख पे करा है, बट इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑल दो ये इस ईयर को रिलेट करता है, इसकी डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी सेक्शन 24 में? बिकॉज प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इज स्टिल इन कंस्ट्रक्शन, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन लिख सकता हूँ, ठीक है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए आप उसकी डिडक्शन अभी नहीं ले सकते, करेक्ट? उसके बाद मयंक ओन्स अनदर हाउस इन हरियाणा, इनके पास एक दूसरा भी घर था हरियाणा। ही ट्रांसफर्ड दैट हाउस टू हिज माइनर डॉटर मिस सिया ऑन हर बर्थडे एज हर बर्थडे गिफ्ट। इन्होंने अपनी माइनर डॉटर को इसको ट्रांसफर कर दिया। मिस सिया gave the said house to the local panchayat from September 23 at a rent of 5,000 per month, okay? Mrs. Mayank, okay? Total income of assessment year 24-25 is higher than that of Mayank. This is the first year when Miss Sia has any source of income. कहते हैं इस साल Miss Sia की पहली बार, Miss Sia है उनकी minor daughter, उनकी first time income आ रही है। अब please मुझे बताइएगा, अब देखो यहाँ पर अगेन ट्रिकी है थोड़ा सा, अच्छे खासे MCQs दिए हैं MTP में इस बार, ठीक है? चिंता मत कीजिए, इतना ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पेपर नहीं आता, थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है, बट फिर भी आपको तैयारी करने के लिए, देखिए जब हमें तैयारी करनी होती है तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ना, ठीक है? अपनी स्ट्रांग तैयारी रखिए जिससे कि अपने एग्जामिनेशन पेपर को आप अच्छे से उसको फेस कर पाएँ, करेक्ट? तो अपनी तैयारी स्ट्रांग रखिएगा।
इसमें से डरना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा अरे यार इतनी सारी चीज़ें पूछ रहा है, इतनी तो तैयारी नहीं है। अरे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही है, करेक्ट, इधर उधर की भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो इसी तरीके से हमारी तैयारी होती है। आप आराम से एग्जाम देने जाइए, क्लियर है, तैयारी अपनी पूरी रखिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। वापस आता हूँ, अब मैं थोड़ा सा ना आपको प्रोविजंस रिवाइज करा रहा हूँ, क्लबिंग के लिए भी और डीम्ड ओनरशिप की प्रोविजंस भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहले क्लबिंग के प्रोविजंस, क्लबिंग में प्रोविजंस ये कहते हैं कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम होती है, ठीक है, माइनर चाइल्ड की जब फर्स्ट टाइम इनकम होती है, वो फादर के हाथों में या मदर के हाथों में किसी एक के हाथों में ऐड हो जाती है, जिसकी भी अदर इनकम जाता है। तो अगर यहाँ पर माइनर चाइल्ड की इनकम आ रही है, तो वो मिस्टर मेयंग या मिसेस मेयंग के हाथों में, किसके हाथों में ऐड होगी, जिसकी अदर इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिसेस मेयंग के हाथों में वो ऐड हो सकती है, राइट, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम आ रही है तब ऐड होगा, राइट। और जब भी माइनर चाइल्ड की इनकम आती है, तो उसमें से हम 1500 रुपीज़ की डिडक्शन भी दे देते हैं अगर एसएससी नॉर्मल स्कीम यानी कि 115 BAC से ऑप्ट आउट कर रहा है, करेक्ट। अगर वो 115 BAC ले रहा है, तो 1500 वाली कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलती है, ठीक है, एग्जम्पशन, सॉरी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है। अगर माइनर चाइल्ड की इनकम आप क्लब कर रहे हो किसी पेरेंट के हाथों में, पुरानी स्कीम फॉलो कर रहे हो, तो 1500 माइनस कर दो, डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहे हो तो 1500 माइनस नहीं करना, राइट, ये क्लबिंग के प्रोविजन। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जामिनर देखो कितनी स्मार्टली आपसे क्लबिंग के प्रोविजन भी पूछ रहा है, बट यहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ सेक्शन 27, सेक्शन 27 की वजह से डीम्ड ओनरशिप, 27 होता है हमारे सेक्शन नंबर को साइड में रखो, हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं डीम्ड ओनरशिप, राइट, उसका लास्ट सेक्शन है 27 हाउस प्रॉपर्टी का। वो ये कहता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, असेसी अपनी प्रॉपर्टी को अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है या अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देता है, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, तो यहाँ पर कोई मैरिड भी नहीं था, मैरिड था लास्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ तो मैरिड भी नहीं है, ठीक है, तो यानी कि अगर असेसी अपने माइनर चाइल्ड को या अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो उसका वो डीम्ड ओनर ही रहता है, करेक्ट। तो यहाँ पर मयंक ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है अपनी माइनर चाइल्ड को, इसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, इसके ऊपर सेक्शन 27 में मयंक ही इसका डीम्ड ओनर, मयंक ही इसका ओनर माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्लबिंग मत लगा दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को तो इस पर क्लबिंग लगा कर आ जाएंगे, प्लीज क्लबिंग मत लगाइएगा, यहाँ पर ये मयंक की ही इनकम मानी जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन इज अ डीम्ड ओनर। हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, वो साफ साफ कहता है कि असेसी अगर आप ओनर हैं या फिर डीम्ड ओनर हैं, दोनों ही केस में ये आप ही की इनकम होगी। तो यहाँ पर मयंक की इनकम होगी, कितनी इनकम होगी, अब ये देखिए, सेप्टेम्बर 23 से लेकर इसको 5000 पर मंथ, इसको हमने रेंट पर दिया है, सेप्टेम्बर से काउंट करेंगे तो 7 मंथ्स आ रहे हैं, तो 5000 × 7 मंथ्स 35000 का तो रेंट आया, ये रेंट आ रहा है, आप ध्यान में ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कंप्यूटेशन करना सीखिए, ये GAV हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह वो सब नहीं दी हुई, एक्सपेक्टेड रेंट नहीं है, ये हमारा GAV हो जाएगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड नहीं है कुछ, ठीक है, तो यही हमारा NAV भी हो जाएगा। अब इसमें से 30% की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे ना आप, तो इसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिएगा, 35000 − 30% कर दीजिएगा, तो आपके पास आएगा माइनस करने के बाद 24500, दिस इज द इनकम, और ये मिस्टर मेयंग की ही इनकम रहे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या कर देंगे इसमें, वो बोलेंगे कि ये तो माइनर चाइल्ड की इनकम है, क्लब हो जाएगी उनकी मदर के हाथों में, और जब भी क्लब होगी तो 1500 माइनस करके 23000 रुपीज़ मदर की इनकम बना देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये मेयंग की ही इनकम आएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी था ना, एक बार देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन था, इन हुज हैंड्स वुड सियाज रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट हरियाणा वुड बी टैक्सेबल एंड हाउ मच वुड बी द इनकम वुड बी टैक्स, कितनी इनकम होगी, साफ साफ पूछ रहे कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी होगी। तो सिया के हाथों में 24500, देखो 24500 समझ में आ गया कैसे आया, रेंट में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद, सिया के हाथों में तो माइनर चाइल्ड के हाथों में नहीं होगी, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मयंक, यस आंसर बिल्कुल ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिसेज मयंक, मिसेज मयंक के हाथों में, और देख रहे हैं कितनी स्मार्टली एग्जामिनर ने इसमें से 1500 माइनस करने के बाद 23000 कैलकुलेट कर दिया होगा,
बट ये गलत आंसर है. द आंसर शुड बी बी मिस्टर मेयंग, बिकॉज वो डीम्ड ओनर के कंसेप्ट लगे, क्लबिंग नहीं लगेगी यहाँ पर, यहाँ पर डीम्ड ओनरशिप के कंसेप्ट लगेंगे जो हम अंडर सेक्शन 27 पढ़ते थे. लास्ट लिखा हुआ है इट वुड चेंज एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट हुज इनकम इज हायर. नहीं, बेकार की बात है. ठीक है, ये अच्छा ये वाली पॉइंट है क्या? ये पॉइंट एक्चुअली होता है कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है किसी भी पेरेंट के हाथों में, तो वो आगे तक भी उन्हीं के हाथों में क्लब रहती है जब तक असेसिंग ऑफिसर इसको चेंज नहीं करता है, राइट. वैसी कुछ बातें लिखी थी बट वो हमारे काम की नहीं है इस समय यहाँ पर, तो यहाँ पर मिस्टर मेयर के हाथों में ही टैक्सेबल रहेगी. ओके, इसके ऊपर तो कोई लोन वगैरह नहीं है. नहीं, मिस्टर मेयंग बॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्थ ₹50 लाख ऑन लोन. इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चैप्टर 6 से हमें डिडक्शन मिलती है. सेक्शन नंबर अगर आपको याद है तो सेक्शन 80EB होता है, नहीं भी याद है तो चलेगा. वहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो 150,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन हमें मिल सकती है. तो मेयंग बॉट अ इलेक्ट्रिक व्हीकल on loan from BSM bank which is sanctioned on 1/4/2022. BSM bank charged interest of 7 lakh on electric vehicle for previous year. Mr. Mayank has also taken loan from ABC bank for his daughter higher education. He paid 50,000 as interest to ABC bank. अच्छा दो तीन चीजें आ गई साथ साथ में. पहले एक चीज, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला देखते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इनका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 7 लाख रुपीज जा रहा है. तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो इनका एक सेक्शन का अगर आपको नंबर 80EB में आता है, ठीक है, तो 1,50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी. 7 लाख मैक्सिमम 150 तक ही दे सकते हैं, ठीक है, तो 7 लाख नहीं देंगे, 150 देंगे. उसके बाद लिखा हुआ है ही हैज़ टेकन अ लोन फॉर हिज डॉटर्स हायर एजुकेशन. तो 80E एजुकेशन लोन तो आपको याद होगा, ठीक है, यहाँ पर जितना भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं इसकी डिडक्शन मिल जाती है हमें. तो इन्होंने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करा है, तो 50,000 तो ये डिडक्शन हमें मिल जाएगी. और ही हैज़ ऑल्सो पेड अ मेडिक्लेम ऑफ 20,000 अंडर द इंश्योरेंस स्कीम. मेडिक्लेम के लिए हमें 25,000 तक की मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है. सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, तो 50,000 हो जाती है. तो यहाँ पर 25,000 की मैक्सिमम लिमिट भी लें तो 20,000 ही पे करा है, तो 20,000 80D में मिल जाएगा. तो 80D में हमें 20,000 मिल जाएगा. तो एक क्वेश्चन था ना जहाँ पे चैप्टर 6 की डिडक्शन पूछी थी, और हमारा 80C ऊपर हमने ऑलरेडी लिया था. 80C क्या था? वो प्रिंसिपल रीपेमेंट वाला. तो 1,50,000 वो हो गया, ठीक है, दिस वन. तो ये प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये दिस इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये था हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, और सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस 80D था, 80E था हमारा एजुकेशन लोन. कैलकुलेट करिएगा, 3,50,000 आ रहा है चैप्टर 6A की डिडक्शन. तो एक क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 6A की डिडक्शन कितनी मिलेगी, दिस इज 3,70,000 रुपीज़, ठीक है, आगे समझ में. दिस वन ये आ रहा था, ओके. और जो एक क्वेश्चन रह गया हमारा कि इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा अंडर सेक्शन 24. तो देखिए, जो SBI से लोन लिया उसका तो इंटरेस्ट होगा नहीं अभी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो बस PNB वाला लोन हो जाएगा, और क्योंकि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है. और उसका लोन 25 लाख था, ऑल्दो हमने पे किया 20 लाख, बट जितना पे किया दैट इज नॉट रिलेवेंट. जितना ड्यू हो गया हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं, जितना ड्यू हो गया उतना हमारा चल जाएगा. तो यहाँ पर हमारा 25 लाख रुपीज़ की डिडक्शन हमें मिल जाएगी सेक्शन 24B में. तो वट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 25 लाख, दिस वन, ठीक है, PNB लोन. SBI वाले लोन वाले इंटरेस्ट आ जाएगा, और जितना भी ड्यू हुआ है ना उसके बेसिस पर ही मिल जाएगा. पेमेंट यहाँ पर रिलेवेंट नहीं होती हाउस प्रॉपर्टी में. हो गया, ये आपकी सेकेंड केस स्टडी हो गई. दो केस स्टडीज आएंगी आपकी, और फिर दो स्टैंडर्ड लोन क्वेश्चन भी आएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है अर्पण, एज 35 ईयर, सीनियर सिटीजन नहीं है. सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पर्पस ऑफ हिज कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम. इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है. कंप्यूटेड का मतलब क्या है कि आपको कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कंप्यूटेड है सैलरी, ठीक है. कितनी है? 4 लाख. लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इनका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है 2,20,000 का, ठीक है. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, पुराना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 230 का. अच्छा, पुराने जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हैं
तो वो हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो सकते हैं, बट क्योंकि करंट ईयर में भी लॉस है तो ये तो पुराना वाला तो हम कैरी फॉरवर्ड ही कर पाएंगे, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी में इस साल भी लॉस है तो ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा इतना तो, ठीक है, इसमें से देखेंगे कितना कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरा बिजनेस लॉस भी, अरे लॉसेज ही लॉसेज हैं इनके, तो बिजनेस लॉसेज हैं 1,00,000 रुपीज़ का, और बैंक की FD है मतलब IFOS है 80,000 रुपीज़ का, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ अर्पन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का मतलब है ऑप्शनल प्रोविजंस, राइट। डिफॉल्ट प्रोविजंस है 115 BAC और नॉर्मल प्रोविजंस को हम मानते हैं ऑप्शनल वाला, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, डिफॉल्ट वाला हो जाता है अगर डिफॉल्ट में हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो कर ही नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं फिर तो सेम हेड्स पे होता है, बट मैं सिर्फ सेट ऑफ की बातें कर रहा हूँ, सेम ईयर में जो सेट ऑफ की बातें करते हैं। तो डिफॉल्ट रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट अगर हम ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल का मतलब ऑप्शनल है, अगर हम ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आपको पता है 2,00,000 तक ही कर पाएंगे, करेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो हाउस प्रॉपर्टी का सेटअप हो नहीं पाएगा क्योंकि इस साल हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस है। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 220 का, ये सैलरी से हम लोग कर सकते हैं, राइट। डिफॉल्ट स्कीम फॉलो नहीं कर रहे, डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहे होते तो नहीं कर पाते, बट ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल स्कीम को ऑप्शनल स्कीम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 2,00,000 सेटअप हो जाएगा, तो हमारी सैलरी इनकम बनेगी 2,00,000 रुपीज़, और इसमें से 20,000 का लॉस अभी सेट ऑफ होना रह गया, ठीक है। बाकी इससे कर सकते हैं हम लोग, 230 का ये लॉस है, 20,000 का ये लॉस है। बिजनेस लॉस 1,00,000 का, बिजनेस लॉस सैलरी के हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ऑल्दो सैलरी हेड में हमारी इनकम आ रही है बट PGBP के लॉसेस को हम यहाँ से सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसको IFOS से कर सकते हैं क्या, हाँ उससे कर सकते हैं। तो इस 1,00,000 के लॉस को हम इससे सेट ऑफ करने के बाद ये इनकम हट जाएगी और यहाँ पे 20,000 का लॉस रह जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास, ये हमारा 2,30,000 का तो ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस तो हमारे हो गए इतने, ठीक है। 20,000 करंट ईयर का, 230 जो लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा था वो आगे, और हम ब्रॉड फॉरवर्ड उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और हमारा PGBP का लॉस 20,000 का, और हमारी सैलरी इनकम 2,00,000, तो हमारी टोटल इनकम बनेगी 2,00,000 हमारी सैलरी इनकम बनेगी, और 250 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, और 20,000 रुपीज़ हमारी PGBP का। देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, ये टोटल इनकम 2,00,000, ठीक है, इतना सही है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 250, ये भी सही है, 20 और 230, 250, एंड बिजनेस लॉस 20 टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर, ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। टोटल इनकम 169 गलत है, टोटल इनकम 4,00,000 गलत है, टोटल इनकम 99 गलत है, फर्स्ट वाली ठीक है, ठीक है, उसका फर्स्ट आंसर आएगा, समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ पर आ जाइए, लास्ट MCQ है। मिस्टर राजा 864 ईयर्स सीनियर सिटीजन है, वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन टू द AO फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,00,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच शैल बी द टैक्स पेबल बाय हिम ऑन द वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स है, तो अनएक्सप्लेन जो हमारी अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है उसके ऊपर कितना रेट होता है टैक्स का, उसके ऊपर होता है 60% टैक्स का रेट प्लस 25% सरचार्ज, ठीक है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा देते हैं, और फिर इन दोनों के ऊपर प्लस 4% सेस, ठीक है। तो 60 प्लस 25 करने नहीं, 60 के ऊपर 25% लगाएंगे और प्लस 4% सेस लगाएंगे, तो 60 के ऊपर 60 लिखिए कैलकुलेटर पर, 60 प्लस 25% 75 प्लस 4% सेस, तो 78% टैक्स होता है इसके ऊपर, ठीक है, आपने ये किया भी था, ठीक है, 78% टैक्स आएगा इसके ऊपर। तो 7,00,000 रुपीज़ के ऊपर व्हाट शैल बी द टैक्स पेएबल, क्वेश्चन ने पूछा है 7,00,000 के ऊपर, सीधा आप 7,00,000 के ऊपर 78% लगा दीजिए, 5,46,000, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये तो डायरेक्ट था, आगे समझ में। चलिए तो दीज वर द MCQs, अब हम शुरू करते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। चलिए अब डिवीजन बी पर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको सॉल्यूशन देना है, साथ साथ में वर्किंग नोट्स या कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं तो वो भी देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है 15 मार्क्स का, और रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। फर्स्ट तो कंपलसरी होगा,
सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में से यू हैव टू डू एनी टू ऑफ देम, राइट। अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, ये जो हमारे ये टोटल इनकम का फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना 15 मार्क्स का, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टोटल इनकम का क्वेश्चन होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है स्टूडेंट्स का। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, पहले अपने जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 में से आपको जो दो सेलेक्ट करने हैं, दोनों कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं पहले उनको कंप्लीट करेंगे, फिर आप इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। बिकॉज टोटल इनकम का क्वेश्चन जनरली देखा जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को 50 मिनट्स 1 घंटा तक भी लग जाता है इस क्वेश्चन में, तो इससे अच्छा कि आप बाकी क्वेश्चन छोड़ें, पहले वो छूट जाएं, तो पहले आप वो क्वेश्चन करिएगा फिर बाद में यहाँ पर आइएगा, ठीक है। अभी मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल तो। ओके क्वेश्चन नंबर 1, टोटल इनकम लिखा हुआ है, आयुष इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 54 ईयर्स, सीनियर सिटीजन नहीं है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग टेक्सटाइल। अब देखिए ये वाला वर्ड ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट ही इज एंगेज इन मैनुफैक्चरिंग बिजनेस, तो एक बार देख लिया कीजिए, पीजीबीपी आ रहा है यहाँ पर, तो मैनुफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तो मैनुफैक्चरिंग है, तो एक चीज पर हमारा ध्यान जाएगा कि एडिशनल डिप्रिसिएशन की बातें हो जाती हैं फिर मैनुफैक्चरिंग में, अगर एसएससी 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहा है फिर तो एडिशनल डिप्रिसिएशन होता नहीं है, बट अगर वो ऑप्ट नहीं कर रहा है तो फिर एडिशनल डिप्रिसिएशन होता है जो मैनुफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैनुफैक्चरिंग एसएससी है। ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 82,45,000 एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमें ये 4 आइटम्स दिए गए हैं, इनको डेबिट क्रेडिट करा गया है और उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो 82,45,000 आता है, लगभग इस तरीके से आपका पीजीबीपी का क्वेश्चन या टोटल इनकम क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। डेप्रीसिएशन डेबिट किया गया 15,40,000। देखिए अगर ये डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स है तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अगर ये डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ और डेप्रीसिएशन आता होगा फिर हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो अभी आगे देख लेंगे कि डेप्रीसिएशन कैसा है। सेकेंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड ₹10,00,000। सबसे पहली चीज ये कैपिटल गेन की इनकम है, पीजीबीपी में उन लोगों ने पीएनएल अकाउंट में इसको क्रेडिट करा हुआ होगा, बट इसको हमें यहाँ से पीजीबीपी से निकालना है और कैपिटल गेन में लेकर जाना है, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर है ऑन विच एसटीटी इज पेड, यानी कि 111A की बातें हो रही हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ टैक्सेशन 15% होता है, तो 10 लाख को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा एट रेट ऑफ 15%। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ₹15,550,000। तो 15,550 का रिफंड मिला है, इनकम टैक्स रिफंड हमारे कोई इनकम नहीं होती, तो अगर एसएससी ने इसको क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है उसको वहां से हटा दीजिएगा और किसी भी हेड में लेकर मत जाइए, बिकॉज इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट इनकम, बट हाँ अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की इनकम आई है दैट इंटरेस्ट इनकम विल बिकम योर IFOS। तो लिखा हुआ है विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ 4,550, यानी कि इस अमाउंट में इसको हमने क्रेडिट करा हुआ होगा, सबसे पहले तो इसको वहां से हटा देंगे, उसके बाद हम अपने IFOS में लेके जाएंगे 4,550, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, वो हमारी IFOS की इनकम बन जाएगी। फोर्थ पॉइंट कहते हैं डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनीज इज 15 लाख रुपीज, तो हमने इसको भी क्रेडिट करा हुआ है अपने पीएनएल अकाउंट में, बट दिस शुड नॉट बी पीजीबीपी, इसको वहां से बाहर निकालिएगा और IFOS में डिविडेंड की इनकम 15 लाख रुपीज लेकर चले जाइएगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ईच कंपनी इज लेस देन 5,000, यानी कि एसएससी ने ना काफी अलग अलग जगह पर शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ होगा उसको टोटल डिविडेंड मिला है 15 लाख रुपीज, IFOS की इनकम है, और कहीं से भी जो डिविडेंड मिला है ना वो 5,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं था। ऐसी बातें क्यों लिखी हुई है यहाँ पर, इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि हमें पता है कि डिविडेंड के ऊपर TDS डिडक्ट हो जाता है, अगर हमें हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट हमें जो डिविडेंड मिलता है वो 5,000 रुपीज से ज़्यादा का होता है तो TDS डिडक्ट हो जाता है 10% का, बट हमें वेरियस कंपनीज से पैसा मिला मिला था और कहीं से भी वो पैसा जो इंडिविजुअल हमने कंपनी की देखी तो वो 5,000 रुपीज से ज़्यादा का नहीं था, इसका मतलब हमारा TDS इसके ऊपर डिडक्ट नहीं हुआ होता, ठीक है। TDS कब काम आता, जब हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकाल देते इस पूरा क्वेश्चन करने के बाद, टोटल इनकम निकालते उसके ऊपर टैक्स निकालते जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी आती उसमें से माइनस करते हैं हम लोग TDS, TCS, एडवांस टैक्स जो भी हमारा पे हो चुका होता है, तो इसमें से कुछ हमारा TDS पे नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। इसीलिए सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि 5,000 रुपीज से ज़्यादा का नहीं था, इसका मतलब इस पर TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, ओके, बट दिस इज आर IFOS इनकम, ठीक है।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये चारों चीज़ें हमने डेबिट और क्रेडिट की हुई थी। तो हमने पता चला फर्स्ट तो डेप्रिसिएशन, चलिए इसको देख लेंगे, बट सेकेंड कैपिटल गेन की इनकम है। ये इनकम इसमें से 15,550 में से 4,550 हमारी इनकम होगी IFOS की, बट बाकी जो बचेगा ना कितना 11,000 रुपीज़, वो हमारा जो इनकम टैक्स रिफंड है दैट इज़ नॉट आर इनकम, बट हमें PGBP से हटाना होगा बिकॉज PNL अकाउंट में क्रेडिट है। और ये हमारी डिविडेंड इनकम है, PGBP से बाहर निकालिए, PNL अकाउंट में क्रेडिट की गई थी, उसको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा और IFOS में 15 लाख रुपीज़ लेके जाइएगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है मिस्टर आयुष? ओके, आयुष इंस्टॉल्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹65 लाख ऑन 1/10/2023। ठीक है, आयुष ने नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की है। अब आयुष एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। साफ साफ लिखा हुआ है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, राइट, फॉर ₹65 लाख ऑन 1/10/2023 विच वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/2024। अच्छा, 1st October को हमने खरीदी प्लांट मशीनरी, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया था, बट यूज किया है हमने 1st January 2024 से। जनवरी 2024, फरवरी, मार्च, 3 महीने। ठीक है, यहाँ पर हमारा हाफ डेप्रिसिएशन आने वाला है, राइट। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट ऑफ 65 लाख इज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीनल अकाउंट विच हैज बीन कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स रूल 1962। देखिए क्या बोल रहा है ये, ये कहता है कि इस मशीन जो हमने इंस्टॉल की थी 65 लाख रुपीज़ की, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनता है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, यानी कि एज पर इनकम टैक्स 65 लाख के ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनता है इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन, हमने ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है पीएनएल अकाउंट में, यानी कि जो हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पर था इसमें ऑलरेडी इस मशीन के ऊपर का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी कि हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हमारे ज़्यादा काम की नहीं है फॉर कंप्यूटेशन पर्पस, राइट। क्योंकि अगर ऐसा बोलता कि डेप्रिसिएशन, इस चीज़ का डेप्रिसिएशन हमने नहीं लिया हुआ तो हमें डेप्रिसिएशन लेना पड़ता, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड, वो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड था, और वो भी एज पर इनकम टैक्स रूल्स। सर यहाँ पर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि एज पर इनकम टैक्स रूल, तो इसका मतलब हमने हाफ ही डेप्रिसिएशन बिल्कुल सही किया हुआ है। तो दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ एक्स्ट्रा कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी है, बिकॉज दैट डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये वाला डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है, तो हमें कुछ इसको टच करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मिस्टर आयुष टुक अ लोन फ्रॉम SBI ऑफ ₹50 लाख ऑन 1/9/2023 एट अ रेट ऑफ 10.5%। आयुष ने एक लोन लिया था 50 लाख रुपीज का 1st September को, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% था। टू परचेज सच प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि इस प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए आयुष ने 50 लाख रुपीस का लोन लिया था। द टोटल इंटरेस्ट अप टू 31st March 2024 हैज बीन पेड ऑन 31st March 2024। ठीक है, इसका इंटरेस्ट हमने पे भी कर दिया, इस साल का जितना भी ड्यू हुआ था वो हमने पे भी कर दिया है, ठीक बात है। एंड द सेम हैज बीन डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, और हमने इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब प्लीज मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपने कंसेप्ट को याद कीजिएगा। अगर हम अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, इनफैक्ट अगर अपने असेट्स परचेज करने के लिए भी लोन लेते हैं, तो दैट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर। अगर हमने इसको डेबिट किया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक किया है डेबिट, बिकॉज ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 36 में ये अलाउड भी होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। बट दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने असेट को एक्वायर करने के लिए, यहाँ पर मशीन को एक्वायर करने के लिए हमने कोई लोन लिया है, जब तक, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब तक वो आपका असेट पुट टू यूज नहीं होता, वहां तक का डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, राइट, वहां तक का इंटरेस्ट उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, अपने एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि हमने 1st September 2023 को लोन लिया एट अ रेट ऑफ 10.5%, और इसको हमने इस साल का पूरा इंटरेस्ट डेबिट कर दिया। वो हमने गलती कर दी, क्यों? बिकॉज ये मशीन पुट टू यूज हुई है 1st January 2024। तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो फर्स्ट से हुआ है, यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट हमने डेबिट किया हुआ है। इसको हमें डेबिट नहीं करना चाहिए, इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट ओवर हेयर। तो यहाँ पर चार महीने समझ में आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, तो 4 मंथ्स का हमारा इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 50 लाख के ऊपर,
50 लाख के ऊपर 10.5%, और वो भी 4 मंथ्स का, कितना आता है ये कैलकुलेट कीजिएगा एक बार आप लोग मेरे साथ। तो 50 लाख के ऊपर 10.5% पूरे साल का इतना आया, 525 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, 1,75,000। ठीक है, दिस इंटरेस्ट 1,75,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हम लोगों ने डेबिट किया हुआ है, बट इसको हम कैपिटलाइज करेंगे अपनी मशीन की वैल्यू में, राइट। तो सबसे पहले तो इसको हमने डेबिट करा हुआ है, इसको वहां से प्लीज ऐड बैक कर दीजिएगा जिससे कि हम इंटरेस्ट को अपना कैपिटलाइज कर सकें। और दूसरी चीज, आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना होगा, बिकॉज अगर आपने डेबिट किया होगा तो इसको कैपिटलाइज नहीं करा होगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, तो आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने मशीनरी अपनी पुट्टू यूज़ की है 1 जनवरी से, तो आपका हाफ डेप्रिसिएशन आएगा इसके ऊपर। एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना होता है मशीन के ऊपर, 15% होता है, और उसका हाफ आएगा। तो 15% का एक तो हाफ डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा 7.5%, और साथ साथ में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दीजिएगा, राइट, बिकॉज ये न्यू प्लांट मशीनरी है। और वो कितना आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, जनरली जो रेट होता है वो 20% होता है ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, बट यहाँ पर क्योंकि हमने वो पुट्टू यूज़ किया है 180 डेज से कम, तो हमारा 10% ऑफ कॉस्ट, और हमारी कितनी वैल्यू है जो हमें कैपिटलाइज करनी थी, 1,75,000 का 10%, ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो हमें यहाँ पर इन दोनों डेप्रिसिएशन का, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन का, दोनों का इफेक्ट देना पड़ेगा बिकॉज हमने इसको कैपिटलाइज किया है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाउट है कि सर ये आपने 4 महीने क्यों लिए, आपने 31 मार्च 2024 तक क्यों नहीं लिया था, बॉस जब से वो असेट पुट टू यूज हो जाता है, फ्रॉम द डे व्हेन इट इज पुट टू यूज, वहां से हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते, वहां से तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस माना जाता है। इसका मतलब जनवरी 2024 में हमने 1 जनवरी को इसको पुट टू यूज किया था, जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट तो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही माना जाएगा, वो तो इन्होंने ठीक किया है, बट शुरू के 4 महीने सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो इन लोगों ने गलती से डेबिट कर दिया है, उसको वहां से एड बैक करेंगे, और उसके ऊपर जितना आपको डिप्रिसिएशन देना चाहिए वो भी आप देंगे, राइट। एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 17,50,000, इस ये कहाँ पर यूज आएगा, जब हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो उसमें से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि TDS TCS एडवांस टैक्स वगैरह माइनस करते हैं, तो वो हमें माइनस करेंगे तो वहां पर ये काम आएगा। आयुष परचेज गुड्स ऑफ ₹40 लाख फ्रॉम मिस्टर राम हिज ब्रदर, ठीक है। आयुष ने ना अपने रिलेटेड पर्सन से एक अमाउंट 40 लाख रुपीज की ट्रांजेक्शन की है, परचेज किया है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 35 लाख। अब देखिए हमारा एक सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि अगर हमने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन की है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, तो जितनी वो एक्सेस है वो डिसअलाउड हो जाता है। अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है तो प्लीज कोट कर दीजिएगा 48(2), अगर सेक्शन का नंबर याद नहीं है चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोविजन यू शुड नो कि रिलेटेड पार्टी को पेमेंट हुई है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, कितना ज्यादा हो गया, 5 लाख ज्यादा हुई है, तो इसको आप ऐड बैक करेंगे। उसके बाद ही पेड 40,000 रुपीज एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, द सम एश्योर्ड इज 5 लाख एंड द पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 1/4/2016। ओके, यहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बातें हो रही है, यानी कि सेक्शन 80D या फिर 80C। 80D में होती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80C में होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहां पर 80C लग रहा है, करेक्ट। तो 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, वहां पर हम किस किस लोगों की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं, असेसी खुद अपनी, अपने स्पाउस की और अपने चिल्ड्रन की, वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट, स्पाउस डिपेंडेंट और नॉट, चिल्ड्रन ऑल्सो वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट। तो यहां पर अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करे तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। 80C में, 80C में जो चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं। जब 80D में बातें करते हैं, याद कीजिएगा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जब हम 80D में बातें करते हैं तो वहां पर स्पाउस तो डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट चलता है, बट चिल्ड्रन वहां पर डिपेंडेंट चलते हैं। 80D में चिल्ड्रन डिपेंडेंट वहां पर प्रोविजन है, बट 80C में डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट दोनों कवर्ड है। तो यहां पर अगर मैरिड डॉटर के लिए भी किया है तो नॉट डिपेंडेंट तो भी चलेगा, 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। 80C में लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हमें पता है कि 10 सम अश्योर्ड का 10% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलती है, 1/4/2016 को पॉलिसी ली है, तो 5 लाख का 10% होता है, 50,000 रुपीज तक हम दे सकते थे,
बट यहाँ पर अमाउंट 40,000 आ रहा है तो 40,000 अलाउड हो जाएगा, और ATC की अपनी लिमिट होती है 1.5 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर 40,000 तो हमें ATC में मिल जाएगा, तो ATC में हमें 40,000 रुपीज़ तो मिल जाएगा यहाँ पर, क्लियर है? तो नॉन डिपेंडेंट भी चलेगा। उसके बाद ही पेड 45,000 बाय चेक टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिमसेल्फ हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब खुद स्पाउस और चिल्ड्रन यहाँ पर आपको पता है इन सब के लिए एक लिमिट आती है 25,000 रुपीज़, अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 हो जाती है। यहाँ पर एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं था, हमने देखा था ना 54 ईयर्स के आसपास एज थी, तो इसका मतलब यहाँ पर 80D मिल जाएगा बट 25,000 की लिमिट होगी, ठीक है? अब ये चिल्ड्रन डिपेंडेंट हैं या नॉन डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं तो एज्यूम करते हुए चलेंगे कि सही चल रहा है, नॉन डिपेंडेंट है, राइट? तो डिपेंडेंट ही मानेंगे यहाँ पर, बिकॉज ऐसा कुछ स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है। ऑन 1/7/2023, अब सर इस पॉइंट में तो नॉन डिपेंडेंट लिखा हुआ था, तो इसलिए क्या इस पॉइंट का हो सकता है ना कि बाकी दूसरे चाइल्ड के लिए दिया हो, तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते, तो मानेंगे कि हमारे जो प्रोविजंस हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हिमसेल्फ के लिए स्पाउस के लिए तो वैसे भी आप लेते, तो इसलिए चिल्ड्रन के लिए भी हमको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, मानेंगे कि ये डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए ही प्रीमियम दी गई होगी। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट, अगर आप एजम्पशन लेना चाहते, देखिए क्वेश्चन कहता है ना हमसे शुरू में ही क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि अगर आप कोई एजम्पशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम एजम्पशन ले लेंगे कि इट इज अज्यूम दैट द चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर, ठीक है? 1/7/2023 में मिस्टर आयुष, यानी ड्यूरिंग दिस ईयर मिस्टर आयुष विथड्रॉ 1.5 करोड़ इन कैश फ्रॉम 3 करंट अकाउंट्स मेंटेन बाय हिम विद SBI। देखो SBI के ही अलग अलग अकाउंट से, यानी कि टोटल तो हम SBI के ही देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग बैंक वाइज देखते हैं, तो बैंक वाइज SBI की जितनी भी ब्रांचेज उनका टोटल कर देंगे, तो वहां से 1.5 करोड़ रुपीज इन्होंने विड्रॉ किया है, और देयर आर नो अदर विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, ही रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम, अपनी रिटर्न रेगुलरली फाइल करते थे। ये बातें हमने MCQ में भी पॉइंट आया था, तो यहाँ पर अगर रेगुलरली ये फाइल कर रहे हैं तो इनके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट लगेगी, 1 करोड़ से ऊपर, ओवर एंड अबव, जितना ओवर एंड अबव जाएगा उसके ऊपर TDS 2% आ जाएगा, तो यहाँ पर 1.5 करोड़ के ओवर एंड अबव आ जाता है 0.5 करोड़, यानी कि 50 लाख, तो 50 लाख के ऊपर 2% का TDS यहाँ पर गया हुआ है, तो इसका भी हम लोग जब हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो ये अलग TDS भी आने वाला है वहां पर, राइट? टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दीजिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स पेबल बाय आयुष फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, एज्यूमिंग दैट ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC। अब देखो यहाँ पर 115BAC से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, अगर 115BAC को ऑप्ट करते यानी कि डिफॉल्ट स्कीम लेते तो हमें पता है कि फिर हम ATC की डिडक्शन या ATD की डिडक्शन नहीं देते, करेक्ट? तो निकालना क्या है इसमें, हम लोगों को कंप्यूट करना है, तो इस चीज़ पर ना हमेशा क्लियर हो जाए कीजिए कि हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है, डिमांड क्या किया है क्वेश्चन ने, तो द क्वेश्चन इज डिमांडिंग अस टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड द टैक्स पेबल ऑफ आयुष, राइट? अब देखिए, अब ना मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा, और आप अपने आप कोशिश कीजिए कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैं भी इसको कर रहा हूँ, ठीक है? फिर आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कहीं पर भी अगर आपने गलती की थी, तो आप मेरे सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अभी मैं इसको करना शुरू कर रहा हूँ।
तो अगर आप देखेंगे, आई बिलीव आपने देख लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, हमेशा ऊपर हेडिंग में आपको ना ऊपर लिख दिया कीजिए बीचों बीच में कि आप कौन सा आंसर लिख रहे हैं। तो दिस इज आंसर नंबर वन। अब हम लिखेंगे कि हमें कैलकुलेट क्या करना था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ आयुष, और असेसमेंट ईयर कौन सा कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25, राइट। तो सबसे पहले हमने पीजीपीपी की इनकम निकाली है, नेट प्रॉफिट एज़ पर पीएनएल अकाउंट, और जो दूसरे हेड की इनकम थी वो मुझने यहाँ से लेस कर दी है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट। यहाँ से हमने लेस किया डिविडेंड, एसटीसीजी और इनकम टैक्स रिफंड विद इंटरेस्ट, वो भी लेस करेंगे, और बस सिर्फ इंटरेस्ट हमें आईएफओएस की इनकम बनानी होगी, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट जो हमने कैपिटलाइज गलती से डेबिट कर दिया, बट कैपिटलाइज करना था, याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो वो हमने एड बैक किया, बट इसके ऊपर जो हमें, क्योंकि अब इसको कैपिटलाइज कर दिया तो इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों देंगे, एसएससी 115 बीएसी को ऑप्ट आउट कर रहा है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ये नई प्लांट एंड मशीनरी है। जो 48(2) में, अगर आपको सेक्शन का नंबर याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीज। सो दिस इज योर पीजीबीपी इनकम। उसके बाद अपनी कैपिटल गेन की इनकम जो 111A है, इसका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है 15% का, राइट। और आईएफओएस की इनकम में आपकी डिविडेंड इनकम बनेगी प्लस इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। सो योर टोटल इनकम कम्स टू, चेक कर लीजिएगा, सॉरी, ग्रॉस टोटल इनकम कम्स टू 88,78,375। और फिर आपने 80C की डिडक्शन और 80D की भी डिडक्शन लेने के बाद हमारी टोटल इनकम आती है, जिसको हमने राउंड ऑफ कर लिया, 88,13,380। राउंड ऑफ को मैंने सेक्शन लिख दिया, ज़रूरत नहीं है आपको, अगर नहीं याद रहता 288 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ राउंडेड ऑफ लिख दीजिएगा, ओके। और उसके ऊपर हमने टैक्स निकाला, सबसे पहले हमने देखा कि इसमें हमारी स्पेशल इनकम थी 111A की, उसके ऊपर 15% टैक्स आएगा 10 लाख के ऊपर, और बाकी रिमेनिंग हमारी नॉर्मल इनकम थी, उसके ऊपर स्लैब रेट्स आएंगे, बिकॉज द असेसी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन और वो नॉर्मल स्कीम ले रहा है, डिफॉल्ट स्कीम नहीं ले रहा है, तो 2.5 लाख के स्लैब रेट लग जाएगा। और बिकॉज, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छी बात है, सरचार्ज भी आ गया है, इनकम हमारी 50 लाख रुपीज़ से ऊपर है, 88,13,380 थी, 50 लाख रुपीज़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, 10% का सरचार्ज का रेट आ जाएगा, ऐड कीजिएगा। उसके बाद टोटल ऐड करने के बाद सेस ऐड कीजिए, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है 26,38,652। उसके बाद हमारा जो TDS डिडक्ट हो गया है वो माइनस करेंगे, जो हम एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं वो माइनस करेंगे, तो आर टैक्स पेबल है 7,88,652, और इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। सेक्शन का नंबर याद रहे तो लिख दीजिएगा 288B, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, 7,88,650। और अगर आपको कोई अजम्पशन या नोट लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमने अज्यूम किया है कि वो चिल्ड्रन डिपेंडेंट चिल्ड्रन थे, करेक्ट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन। अब हम ना, मैं यहाँ पर इस क्लास को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, दिस वुड बी द पार्ट वन फॉर MTP, और बाकी के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ऑल्दो मैं 3 ही क्वेश्चन करूँगा, 2nd, 3rd और 4th, बट हम उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।